गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज दिस इज 29th of October, अ डे बिफोर हेलोवीन वीक, हेलोवीन ईव सॉरी. एंड मैं आई कुडंट व्लॉग इन द लास्ट टू वीक्स, ऑलमोस्ट वन एंड हाफ वीक, बिकॉज दो मॉड्यूल्स हमारे तो उन्होंने इस पूरे मंथ में कंप्लीट करा दिए. एंड ऑल्सो आई वॉज ऑल्सो अप्लाइंग फॉर दोज ग्रेजुएट रोल्स, तो उन ग्रेजुएट रोल के लिए भी एप्लीकेशन फाइल करना बहुत हेक्टिक प्रोसेस था. तो आई हैव फाइल्ड फॉर अराउंड 12 सो फार, 12 ही कर पाया हूँ, जिसमें से आई हैव गिवन असेसमेंट फॉर 6, और अभी भी मेरे 7 के असेसमेंट्स मैंने दे दिए हैं, एंड 5 के आसपास मेरे असेसमेंट देने भी बचे हैं. एंड और एक का रिजेक्शन भी आना शुरू हो गया, रिजेक्शन टाइम्स भी आने शुरू हो गए. सो आई विल टेल यू अबाउट कि मैंने कौन कौन सी कंपनीज में अप्लाई किया है, एंड क्या क्या प्रोसेस है सबका, कि क्या क्या रोल्स हैं, क्योंकि मैंने जिस रोल के अप्लाई किया है दोज आर दी ग्रेजुएट स्कीम्स ऑफ दी ग्रेजुएट रोल्स, और क्या डिफरेंस है ग्रेजुएट रोल और नॉर्मल जॉब एप्लीकेशन में, और इंटर्नशिप्स के लिए भी कैसे है, क्या प्रोसेस है, उन सब चीजों के बारे में आज आई विल टेल यू. एंड आई एम लिटरली सॉरी कि मैं पूरा वीक इस पूरा इतना लंबा टाइम का गैप लिया दैट आई कुडंट इवन ब्लॉग. सो आई विल ट्राई टू मैनेज द टाइम इफेक्टिवली थोड़ा सा, और उसी हिसाब से पूरा व्लॉगिंग करना. आई विल स्टार्ट अगेन. एंड टूडे वॉट आई एम डूइंग इज, एज यू कैन सी, पूरा रूम शफल करके रखा हुआ है. सो व्हाट्स हैपनिंग कि यहां पर सब ठीक है, यू कैन एडजस्ट इजीली, बट फ्यू थिंग्स दैट यू कांट गेट हेयर इज चाय. और चाय पिए हुए मेरे को पूरा एक महीना से ऊपर हो गया है, जब से मैं आया था मैंने चाय पी देखी भी नहीं है. तो कैसी है? सो व्हाट आई एम डूइंग नाउ, क्योंकि मैंने अपना सारा सेटअप वहां पे कर दिया है मिशेल हॉल के किचन में, ऑलरेडी शोड यू मिशेल हॉल के किचन में मैंने अपना सेटअप कर दिया है. आई हैव पुट माय इंडक्शन ओवर देयर, और बर्तन भी रख दिया है. तो अभी तक तो क्या था कि छोटा बर्तन था मेरे पास, वो यूज नहीं हो रहा था, उसमें चाय नहीं बन रही थी. जस्ट शो यू, मतलब वो इंडक्शन में फिट नहीं आ रहा था, दिस वन. सो नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं अपनी बड़ी जो मेरे पास जो पैन है दिस वन, इसी में ही चाय बनाऊंगा. एंड लकीली आई हैव गॉट 3 or 4 पीपल जो साथ में चाय पियेंगे, तो फिर कोई इशू नहीं आएगा ज्यादा क्वांटिटी में बनाने में. तो फिर देयर इज अनदर विवेक हु इज fond of tea, so we'll do that. So yes, this, इसलिए पूरा रूम उथल पुथल गया, क्योंकि पूरी चाय जो इसी बैग में पड़ी थी और ये बैग ऊपर रखा हुआ था. और yes, it is. Come on, I'll show you. Oh, weather. Yes, I remember. So आज का वेदर इज अराउंड 11 डिग्री सेल्सियस अभी सुबह सुबह. अभी टाइम भी हो रहा है 8 बजे के आसपास बज रहे हैं. एंड इट वॉज रेनिंग थ्रू आउट द नाइट, सो इट्स गुड. थोड़ा विंडी है बट इट्स अमेजिंग. इट इज देखिए, हाँ मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, थोड़ा सा ठंडा है, और हीटर्स तो चल ही रहे हैं अब, तो फिर ज्यादा पता नहीं चलता है रूम के अंदर. ऐसा नहीं होता है कि ठंड लग रही है, ठंडा मौसम है, तो उसका कोई इश्यू नहीं आता इन सब चीजों में. इट्स फाइन. कम ऑन, लेट मी शो यू माई किचन अप, एंड की चाय कैसे बना रहे हैं, कैसे बार पता ही है आपको कैसे बनती चाय, बट स्टिल हाउ द थिंग इज एंड हाउ माई डे गोज, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा काम नहीं है. आई हैव टू फिनिश माई सम कोर्स वर्क एप्लीकेशन, और 2 असेसमेंट्स मेरे को देने हैं आज. So I don't have that much work to do, but there is some work to do. So mera busy rahega pura din. And again, something that tomorrow on Halloween Eve we are going to London. So I'll also take you with me. Pura process, but not it's not a process. Ki hum kya kar rahe hain. So there is some club in London, what we are doing there and everything. So this is the kitchen, induction which I told you that I have installed, bartan, chai, chini, and let's make the tea. So I thought ki jab tak chai ban rahi hai, kyun na let's talk about the roles and opportunities that we get here. So people are asking ki what are the opportunities for the part-time jobs. So part-time jobs milna is not that mushkil, but it's easy. You can apply for on-campus. Yeah, depend karta hai ki if you will get on-campus or not. Depend on the demand and kitne log apply kar rahe hain. Apart from that, off-campus jobs bhi bahut saari hain. So you get a job like working in a shop, Amazon warehouse, and restaurants and everything. And har ek job ke apne perks hai. So minimum which my friend is getting, that is 8.9
8.9 विद फूड, ही इज वर्किंग इन अ रेस्टोरेंट इन मिल्टन कीन्स। सो उसके अलावा जो अब हम बात करते हैं रोल्स के बारे में इंटर्नशिप के, उसमें आई विल एक्सप्लेन कि पूरा क्राइमफील्ड का क्या प्रोसेस है इंटर्नशिप का। बट उसके अलावा अगर हम ग्रेजुएट जॉब की बात करें तो दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एंट्री, नंबर इज नॉर्मल डायरेक्ट एंट्री जॉब एंट्री एंड दी ग्रेजुएट रोल। सो डायरेक्ट एंट्री में तो व्हाट हैपेंस कि यू फाइल दी एप्लीकेशन, आपके साथ बाकी लोग भी एप्लीकेशन फाइल करते हैं हु हैव डिफरेंट इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आप एक ही रोल के लिए कम्पीट करते हो। बट इन द ग्रेजुएट रोल व्हाट हैपेंस दैट यू आर बेसिकली कम्पीटिंग विद दोज पीपल हु आर फ्रेशली ग्रेजुएटेड, इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आपका एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट नहीं होता इन डिसाइडिंग फॉर द कंपनीज की इफ यू आर ऑप्ट फॉर द रोल और नॉट। सो दिस तो ये फायदा होता है ग्रेजुएट रोल्स का। जब आप नॉर्मल एंट्री जॉब रोल के लिए अप्लाई करते हो रेफरेंस मांगते हैं, सब मांगते हैं, बट ग्रेजुएट रोल के लिए नथिंग, वॉट कोर्स यू आर स्टडिंग, वेयर यू आर स्टडिंग, कब कोर्स खत्म हो रहा है और कब से आप वर्क के लिए अवेलेबल हो। सो दीज आर दी बेसिक क्वेश्चन दैट दे आर ऑब्वियसली अबाउट योर बैकग्राउंड ऑल्सो। बट अभी करंट में ये सम कंपनीज आस्क फॉर योर एक्सपीरियंस बट सम डोंट, सो इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी एंड उनका बहुत ज्यादा मेजर नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा वेट इज नहीं होता है कि वॉट एक्सपीरियंस दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द कंपनी, ज्यादा नहीं होता, होता है ज्यादा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ग्रेजुएट रोल्स हैं उसके लिए सबके लिए ऑलमोस्ट असेसमेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस ऐसा होता है कि वंस यू फाइल फॉर दी जॉब, तो कुछ जॉब होती है कि जैसे आप फाइल करते हैं वो तुरंत असेसमेंट दे देती है एंड देन दे विल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। बट कुछ कंपनीज होती हैं विच फर्स्ट शॉर्टलिस्ट योर सीवी, देन आपको कुछ टाइम बाद कहते हैं कि नाउ यू हैव पास दैट फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस एंड देन वी वॉन्ट यू टू आस्क फॉर दी असेसमेंट इटसेल्फ, तो आप फिर जाके असेसमेंट देते हो। सो दीज आर दी डिफरेंसेस। और क्रैनफील्ड का क्या है कि इंटर्नशिप पर्पसेस के लिए, तो क्रैनफील्ड में ईदर यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप ऑन योर ओन, तो हमारा खुद का एक अपना सिंप्लिसिटी सॉर्ट ऑफ Naukri.com प्लेटफॉर्म है इन विच वी अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो जितने भी करियर डेवलपमेंट टीम मेंबर्स हैं दे पोस्ट द जॉब्स एंड द अवेलेबल वैकेंसीज जो आ रही हैं फॉर 3 month थीसिस प्रोजेक्ट, ऑन थीसिस प्रोजेक्ट बेसिस पे जितनी भी कंपनीज आ रही हैं फॉर इंटर्नशिप वो। बट if there is any other company you might think jo unhone nahi post kari hai and you want to work for that, you can approach them also, or either you can ask career development team to approach that particular company ki theek hai this is what the student strength is and everything and you would like to take that role for the position or something like that, to fir wo bhi karte hain, to ye process bhi hai। and usually internship hamari june mein start hoti hai, june next month next year start hogi 2022 and तब देखते हैं कैसा होता है क्या होता है। एंड ऑलमोस्ट मेरी चाय भी रेडी है, इतने टाइम बाद चाय पी हूं मैं ना, नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है मेरे को। तो फाइनली चाय बन गई है एंड नाउ आई विल एंजॉय इट। अभी भी मेरे बैकग्राउंड में वही गाना चल रहा है। सो आई जस्ट ब्रॉट माई लंच फ्रॉम मिशेल, 12:30 हो गए हैं तो मैं थोड़ा लंच भी जल्दी करता हूँ, सिमिलरली डिनर भी। एंड लेट मी जस्ट शो यू कि आज मैं क्या लेकर आया। सो दिस इज सम सी फूड, एक मेरे को सी फूड मिला है इसमें, ये कुछ फिश वगैरह है, फ्राइड फिश दिए इन्होंने, देखते हैं कैसा है टेस्ट में। और विद लेमन मेयो, दिस इज अपना फ्राइज और थोड़ी वेजीज, टेस्टी है, मैंने थोड़ा ट्राई किया था, अपना नहीं फ्रेंड को खा रहा था तो तभी उसी हिसाब से। सो इट्स गुड। सो गाइस आई एम ऑल सेट एंड रेडी टू गो टू द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिल्डिंग, थोड़ा वहां बैठ के पढ़ूंगा, वहां थोड़ा माहौल बनेगा एंड ऑल्सो कॉफी एज यू नो। सो या सो आई एम गोइंग देयर एंड एज प्रोमिस्ड इन द लास्ट वीडियो, मेरे को परमिशन नहीं मिली थी अंदर, बट आई हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द सोशल मीडिया टीम कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। सो नाउ आई विल शो दैट विच मैनेजमेंट स्कूल बिल्डिंग आई एम टॉकिंग अबाउट एंड क्या रूम्स, हाउ द रूम्स आर लाइक, स्पेसिफिकली आई विल शो यू द स्टडी स्पेसेस, डिफरेंट स्टडी स्पेसेस। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड
There we go. Just look at it, how beautiful it is. So autumn's here in the campus, in the UK itself. और बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है. मैं जस्ट लुक अराउंड. इट्स ब्यूटिफुल. सो वट द प्लान इज, अभी मैं जाऊँगा दिस बिल्डिंग 111, द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिल्डिंग. सो वहाँ जाके आई हैव सम कॉफ़ी, आई सेट देर, आई वेट फॉर माई टीम टू कम. और उसके बाद मीन वाइल आई स्टडी. और दो एप्लीकेशन मेरे को फाइल करनी है. एंड एप्लीकेशन फाइल करने का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है कुछ कुछ कंपनीज में. कुछ कुछ कंपनियाँ बहुत छोटे छोटे से एप्लीकेशन में मान जाती है, बट कुछ कुछ का थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है. दैट वी हैव टू ऑल्सो राइट सम स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क. तो आई विल डू दैट मीन वाइल एंड जस्ट लुक एट इट. मतलब इट्स ब्यूटिफुल, नाइस, वेरी नाइस. दिस इज द इनसाइड ऑफ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बिल्डिंग. यहाँ पर बैठ के सारे हम, नॉट हम बट अपस्टेयर सारी क्लासेज हैं. तो क्या है कि अपस्टेयर सारी क्लासेज हैं, और उसके बाद जैसी क्लास ऑफ होती है तो ऊपर भी कॉफी मशीन है. बट यहाँ पर भी तो नॉर्मली इफ यू वांट टू हैव सम डिस्कशन विद योर टीम और समथिंग लाइक दैट, ग्रुप मीटिंग, तो यहाँ पर बैठ सकते हो. और एनी हाउ यू कैन ऑल्सो बुक दो स्टडी रूम्स एज वेल. तो ऐसा. तो फिर लास्ट टाइम जो था कि आई टॉक्ड अबाउट बुकिंग, तो बिल्डिंग 111 में ही सिर्फ बुक करके अवेलेबल होता है. बट बिल्डिंग 122 का जो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं. इफ इट्स अवेलेबल देन यू कैन ऑल्सो गो देयर. सो दीज आर दी मशीन्स. सो आई केम इन साइड बिल्डिंग 122. और अब हम यहाँ पे ऊपर जो रूम्स हैं विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, वहाँ जाएंगे, वहाँ बैठ के पढ़ेंगे. एंड बिल्डिंग 122 में भी कॉफी स्पेस है. दैट्स दी कॉफी स्पेस. और नीचे ही ग्राउंड फ्लोर में फ्यू लेक्चर रूम्स आर देयर. सो एक लेक्चर रूम ये, एंड दिस इज दी अनदर लेक्चर रूम. और ऐसे है. सो यहाँ पे ऑलरेडी लोग पढ़ रहे हैं. आई होप नेक्स्ट रूम खाली हो. इट्स खाली. So yeah, so these are the personal rooms and study spaces which you can book. No, sir, book nikal raha hai yaar. Sorry. So these are the personal study spaces. If they are available, just come in and grab a seat और बैठ के यहाँ पे काम कर लो अपना, which we'll be doing. और हमारे पास यहाँ पे white board भी है पढ़ने को. और तो बस ये, but it's quite spacious. पूरा ग्रुप बैठ के यहाँ पे पढ़ सकता है. रूम नो वन विल डिस्टर्ब यू. बाहर का व्यू अगर हम देखें तो फिर हाँ, इट्स गुड. ऑटम इज गुड. सो डन विद द स्टडीज. और अब वैसे भी ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग खाली हो ही गई है. 6 बज गए तो सब लोग सीएसए चले गए. सीएसए में इवेंट चल रहा है हेलोवीन का प्रोबेबली. एंड हमारी भी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है. तो ऑलमोस्ट इट वाज अ प्रोडक्टिव डे. रौनक बाहर चला गया है और इन्होंने मशीन्स बंद कर दिया. भाई रात को भी मशीन्स बंद करने लगे हैं. रात को बच्चे बहुत कॉफी आके ले रहे थे तो अब इन्होंने मशीन्स बंद करनी शुरू कर दी है. तो भाई सीन ऐसे है कि अब मैं और रौनक जा रहे हैं. रौनक थोड़ा कैमरे से शर्मा रहे हैं. तो मैं और रौनक जा रहे हैं मिशेल हॉल. और क्योंकि मैंने ऑलरेडी नहीं, मतलब मेरे पास जो मेरा बैलेंस बचा है उसमें मिशेल हॉल के फूड कार्ड में, वो क्या है कि यूज नहीं हुआ है. और मेरे को पता चला कि मिशेल हॉल का फूड कार्ड, इफ यू आर नॉट यूजिंग इट देन द नेक्स्ट मंथ वो सारा बैलेंस एक्सपायर हो जाएगा. तो आई हैव अराउंड 80 pounds इन माई कार्ड येट. तो रौनक और मैं जाके साथ में खाना खाएंगे एंड वी विल ऑल्सो स्टॉकअप. तो मैं सोच रहा हूँ कि शायद जूस वगैरह सब थोड़ा स्टॉकअप कर लूंगा मैं फॉर टुमारो इटसेल्फ. नॉट फॉर टुमारो, अपकमिंग मंथ. तो देखते हैं यार कैसे करना है, क्या क्या करना है, चलते हैं बाकी.